परम आदरणीय ठाकुर इंद्रभूषण जी सिंह जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सभी साथियों के बीच साझा करें और गोटेगांव को एक सम्मान में, गोटेगांव के सम्मान की लड़ाई जो हम सब लड़ने आए हैं उसे एक नई ताकत, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ संबोधित करें। परम सम्मानीय परम आदरणीय ठाकुर इंद्रभूषण सिंह मामा जी को मैं सादर आवेदन निमंत्रण करता हूं कि वो आए और अपने हम सभी के बीच में अपने विचार प्रकट करें। आज शेखर चौधरी जी के नामांकन के दिन बंचासीन समस्त सम्मानी जनों को और यहां पर उपस्थित पूरे गोटेगांव क्षेत्र के आम कार्यकर्ता नेता और जनता का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये सब राय जो आज हम चुनाव के माध्यम से लड़ने जा रहे हैं वह हमारी अस्मिता की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टिकट वितरण प्रणाली अपनाई गई थी उसमें जो सर्वे हुए थे, तीन तीन चार चार सर्वे कराए गए, कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी तक के सदस्यों ने अपनी भावनाएं हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व को भेजी। उस सब पर विचार करने के बाद हमारे भाई शेखर चौधरी जी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। इतने वर्षों तक मैं चुनाव देखता आया हूं, शेखर चौधरी जी के नाम को जब शीर्ष नेतृत्व ने अपना समर्थन दिया, उनको अपना प्रत्याशी बनाया तो जितनी प्रसन्नता की भावना मैंने यहां पर आम कार्यकर्ताओं में देखी उतनी मैंने कभी नहीं देखी। गोटे गांव में चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, चाहे मंडलम की बैठकें हो, दो दो तीन तीन घंटे के सूचना पर लोग भारी संख्या में उसमें जुटे। चार दिन तक लोगों में इतना हंसी खुशी का माहौल था और सब कार्यकर्ता समझ रहे थे जैसे टिकट शेखर चौधरी को नहीं उनको ही मिला है। लेकिन चार दिन के बाद किस दबाव में आकर शीर्ष नेतृत्व ने अपना निर्णय बदला वह समझ के परे है और इस निर्णय से हम सभी बहुत दुखी हैं और अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। इस सबकी यह प्रतिक्रिया है कि यह हम सब ने तय किया है कि अब शेखर चौधरी ही हमारे प्रत्याशी होंगे। आज प्रत्येक गांव से इतनी भारी संख्या में और इतने भारी वाहन रैली के साथ में यहां पर लोग आए हैं, उससे विश्वास है कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में शेखर भाई को बहुमत दिलाएंगे और वह प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ऐसे लोग भी जीते हुए प्रत्याशी से दो सम्मान के बोल बोलने के लिए तरसते हैं। साथियों, आज के दिन हमको यहां से यह भावना लेके जाना है कि शेखर भाई हमारे गांव में
समय की कमी के कारण पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हमको अपने अपने मतदान केंद्र पर शेखर भाई बनकर ही काम करना है। यहाँ मंच के ऊपर स्पोर्ट्स लिखा है, टैग दिया हुआ है कि हम सभी शेखर चौधरी हैं। हम इस भावना से भी काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि सफलता हमारे कदम न चूमे। आज के बाद हम समय सभी लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ पर अपने अपने वार्ड में ऐसे चुनाव लड़ना है जैसे कि हम अपना स्वयं का, पंच का और सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। इस भावना से जब हम काम करेंगे तभी सफलता हमको निश्चित ही मिलेगी, इसमें कोई दो शक नहीं है।